दोस्तों, अगर आप लोग भी अपनी वीडियो में जो है फनी मीम्स को ऐड करना चाहते हो, नहीं फनी क्लिप्स को लगाना चाहते हो अपनी वीडियो में, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपने मोबाइल से जो है अपनी वीडियो के अंदर फनी क्लिप्स को ऐड कर सकते हो, फनी मीम्स को ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है, तो वीडियो को पूरा देखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल में जो है फनी मीम्स को डाउनलोड करना है, तभी आप लोग अपनी वीडियो में फनी क्लिप्स ऐड कर पाओगे। अब दोस्तों डाउनलोड कैसे करना है इस टॉपिक पर जो मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। उस वीडियो को देखने के बाद अनलिमिटेड आप लोग फनी मीम्स डाउनलोड कर पाओगे। अब डाउनलोड करने के बाद अब बात करते हैं कि आपको अपनी वीडियो में इनको ऐड कैसे करना है। तो रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। दोस्तों आपको अपने मोबाइल में जो है काइन मास्टर ऐप को डाउनलोड करना है। अगर आपके पास ये पहले से है तो आपको जो इसको ओपन कर लेना है, अगर आपके पास नहीं है तो आपको प्ले स्टोर से जो इसको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर जो मैंने काइन मास्टर को ओपन कर लिया, उसके बाद आपको यहाँ पर जो प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। 16:9 पर जो है सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है मीडिया, इस पर आपको जो है क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद दोस्तों आप लोग अपने जिस भी वीडियो में फनी मीम्स को लगाना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, वो वीडियो आपको यहाँ से जो है सेलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे मैं यहाँ पर जो है कोई भी एक वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर जो मैंने एक वीडियो सेलेक्ट कर ली। अब दोस्तों इसमें जो मुझे फनी मीम्स को ऐड करना है, अब दोस्तों कैसे करना है तो आपको देखो, सबसे पहले तो आपको वीडियो पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको थोड़ा आगे करना है, जहाँ पर भी आप लोग फनी मीम्स को ऐड करना चाहते हो वहाँ पर आपको इसको रोक देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो सीजर वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और स्प्लिट एट प्लेट पर जो क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो बीच में से स्प्लिट हो चुकी है। उसके बाद आपको मीडिया पर क्लिक करके आप मीम्स यहाँ पर जो ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर जो मीम सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग मीम ऐड हो चुकी है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बीच में यहाँ पर जो है मीम्स ऐड हो चुकी है। दोस्तों ऐसे ही मैं आपको एक और मीम्स यहाँ पर जो ऐड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको जहाँ पर भी वीडियो को जो है मीम्स ऐड करने, वहाँ पर आपको वीडियो को रोकना है। उसके बाद वीडियो पर क्लिक करना है, सीजर वाले ऑप्शन पर जाना है, स्प्लिट एट प्लेट पर। उसके बाद आपको यहाँ पर मीडिया पर जाना है और मीम्स सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी मीम्स आप लोग यहाँ पर ऐड करना चाहते हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने मीम्स ऐड कर ली, दोस्तों इस तरह से जो आप लोग अपनी वीडियो में कहीं पर भी जो मीम्स को ऐड कर सकते हो। एक बार मैं आपको वीडियो प्ले करके भी यहाँ पर जो थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि इस तरह से जो आप लोग अपनी वीडियो में कहीं पर भी फनी क्लिप्स लगा सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका वीडियो जो है सेव हो जाएगा। शेयर पर क्लिक करके आपको सेव तो करना आता होगा एक्सपोर्ट। तो दोस्तों इस तरह से जो आप लोग अपनी वीडियो में फनी मीम्स को ऐड कर सकते हो काइन मास्टर से बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया कि कैसे आप लोग अपनी वीडियो में फनी मीम्स को ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।